नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद भवन में वाणिज्य विभाग ने 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संबंध में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने बताया कि इनकम रिटर्न्स फाइलिंग पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉमर्स के छात्र RTR भरना सीखें और उसकी उपयोगिता को समझें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संवाद भवन में वाणिज्य विभाग ने 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके संबंध में महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने बताया कि इनकम रिटर्न्स फाइलिंग पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉमर्स के छात्र RTI भरना सीखें और उसकी उपयोगिता को समझें। इसके अलावा महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी जिन्हें RTR खुद भरने में रुचि है, उनके लिए भी यह कार्यशाला आयोजित किया गया। पहले दिन की कार्यशाला में सैद्धांतिक पक्ष पर चर्चा हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि अविनाथ राजकीय महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार राय थे। आज कार्यशाला का दूसरा दिन है, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ राय हैं। वे पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्रों को ये समझा रहे हैं कि वे किसी दूसरे का RTR कैसे भर सकते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं। इससे वे सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, जिससे उनकी आय उनकी पढ़ाई में सहायक हो सकती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि हमारे छात्र स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। छात्र अपने विषय के साथ साथ व्यावहारिक पक्ष को भी जानकर स्वावलंबी बन सकते हैं और अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं कुछ पैसे अर्जित कर सकते हैं, जिससे अभिभावकों पर बोझ कम हो सकता है। इसको बता दिया तो अब ये पता चल जाएगा कि हमारा क्या इनकम है जिस पर कर लगना है और क्या हमारी टैक्स लायबिलिटी है। वो चौथे पॉइंट्स में हमको देखने को मिलेगा, जो है टैक्स पे। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। आपने क्या क्या टैक्स दिया है, कहाँ कहाँ टैक्स चुकाया है, वो सब TDS के माध्यम से या फॉर्म 26AS के माध्यम से, TIS के माध्यम, सब यहाँ पर अपडेट हुआ रहेगा कि इनकम टैक्स को आपने कितना टैक्स पेड किया है, उसका डिटेल। लेकिन मान लीजिए कोई चीज छूटी हुई है तो आप इसको यहाँ अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, जैसे इसको ओके करेंगे तो ये भी मामला जो है वो क्लियर हो गया। अब अंतिम पायदान पे आ गए और वह है टोटल लायबिलिटी का। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स के ये रेट कर दिया है कि आप 30,670 रुपया रिफंड पाने के हकदार हैं। और देखो, आपको बता दें, आप सबसे बढ़िया टैक्स एसेसर तब हो सकते हो जब आप अपने क्लाइंट को रिफंड दे दो। ये सोचना, आप क्लाइंट कमाएगा, रिफंड आपको दिलवाना है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार मालविया ने कहा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया, जिसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे बच्चे जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो ITR भरना सीखें, उसकी उपयोगिता को जानें, और साथ में महाविद्यालय के जो शिक्षक कर्मचारी हैं जिनका इंटरेस्ट है कि हम ITR खुद अपना भर लें, सेल्फ डिपेंड हों, इसी उद्देश्य से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल पहले दिन के कार्यशाला में सैद्धांतिक पक्ष था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार राय जी थे। आज दूसरा दिन है कार्यशाला का, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमरनाथ राय जी हैं, जिनको अभी आपने देखा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि आप किसी दूसरे का ITR कैसे भर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हो, और उससे आप सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हो, ताकि उससे जो आपको अर्निंग होगी वो आपके पढ़ाई में सहयोगी होगा। इस उद्देश्य को लेकर के, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सरकार का जो उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को स्वावलंबी बनाएं, माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का जो संकल्प है कि हम युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाएं, उसी से प्रेरित होकर के महाविद्यालय ने एक ऐसे कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बच्चे अपने विषय के ज्ञान के साथ साथ उसके व्यवहारिक पक्ष को जानते हुए स्वावलंबी बने और अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं वो
कुछ पैसे अर्जित करें जिससे अभिभावकों पे बोझ भी कम पड़े। डॉक्टर अभय कुमार मालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर।